नमस्कार। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 7.2 का इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो सॉल्यूशन पे सबसे पहले लिखेंगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स डीएक्स। इसको करने का सिस्टम मेथड हमें मालूम है। वर्किंग स्टेप क्या है कि गिवन फंक्शन में हम देखेंगे ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव करते हैं तो गिवन फंक्शन में रहता है। मतलब कहने का हम देख रहे हैं यहाँ पर log x लिखा हुआ है। इस log x का यदि हम डेरिवेटिव करते हैं तो आता है 1 by x। तो log x का डेरिवेटिव आप देखो ध्यान से नीचे x है कहीं पर भी into 1 ऊपर लगा करके बना सकते हैं ना 1 by x। तो इसको सॉल्व करने के लिए log x को t लेंगे। मतलब लिखेंगे यहाँ पर पुट log ऑफ x इज इक्वल टू t। अब इस log x का डेरिवेटिव कर दो तो कितना आएगा 1 by x इज इक्वल टू में आएगा dt by dx। उस dx को इधर लिखेंगे इसके साथ dx इज इक्वल टू में आ जाएगा dt। अब यहां पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये बन जाएगा कुछ इस तरह से I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना इसको हम ऐसा लिख सकते हैं log x का होल स्क्वायर इन टू में 1 बाय x इधर dx और यहां पर ये इंटीग्रेशन। तो ये जो 1 बाय x dx है ये 1 बाय x dx है ये dt बन जाएगा और log x के प्लेस में t आ जाएगा। तो क्वेश्चन कैसा दिखेगा t में देखिए स्क्वायर लगा हुआ है तो इधर स्क्वायर लगा देंगे और इधर 1 बाय x dx यहां पर 1 बाय x dx ये क्या बन जाएगा dt बन जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो मिलेगा i इज इक्वल टू यहां पर आप देख रहे हैं x की पावर n वाली आइडेंटिटी यहां पर लगेगी। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx ये क्या होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 यह आइडेंटिटी यहां पर अप्लाई कर देंगे तो मिलेगा t की पावर 2 प्लस 1 दैट इज 3 अपॉन में नीचे आएगा 2 प्लस 1 तो वो भी बन जाएगा 3। अब यहां पर t के प्लेस में यहां इस t के प्लेस में क्या लिखेंगे log x तो ये बनेगा i इज इक्वल टू log x होल टू द पावर 3 डिवाइड में आएगा 3 प्लस में आएगा c। यह इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। जय हिंद।